और मैं ये मानती हूँ कि वास्तव में ये सामाजिक विषय है, इसमें किसी भी प्रकार से राजनीति नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक बात का चर्चा का विषय नहीं है। पूरा जो विषय है वो हमारी समाज की रीति पद्धति, सामाजिक सरोकार, सामाजिक सुरक्षा और सृजन पूजन संवर्धन से जुड़ा हुआ ऐसा ये विषय है। लेकिन फिर भी ऐसा लगा, जिस तरीके से वास्तव में ये बिल आया गया, बिल तो 4 दिसंबर को ही आया था, उसके बाद ऑर्डिनेंस आया, और जो ऑर्डिनेंस आया वो किसी एक विशिष्ट परिस्थिति में वास्तव में आया था। और जो विशिष्ट परिस्थिति में बात ये थी कि कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। शांत हो जाइए, जरा सा शांत हो जाइए, क्या हो रहा है, जरा सा शांत हो जाइए, ठीक ठीक, नहीं जरा सा शांत हो जाइए, कितना टोका टोकी करें हम। वास्तव में इसका उद्देश्य एक ही था कि एक तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान, जो डिमांड एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से मन से उठी थी कहीं ना कहीं, और दूसरी बात ये थी कि जल्द से जल्द न्याय। ये दो प्रमुख विषय थे। मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, लेकिन एक हमारी मानसिकता, अभी भी यहाँ मैं देख रही थी कि एक सीरियसनेस जो होना चाहिए किसी विषय को लेकर के, इस विषय को कम से कम लेकर के, वो हमारे मन में नहीं है। एक मैसेज जाता है पूरे हिंदुस्तान में, मगर यहाँ भी थोड़ा सा लगेगा शिंदे जी को कि मैं कोई आलोचना कर रही हूं, लेकिन जिस तरीके से एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की क्यों कोशिश की गई मुझे नहीं मालूम। वास्तव में 18 साल, आपके बिल में भी आपने 18 साल कहा था, कोई बदलाव नहीं था, ठीक है, आईपीसी में 16 साल था, मगर उसको आपने 18 साल किया था जब बिल लाए थे जब, और फिर मालूम नहीं अचानक एक दिन आप उसको बदलने की बात करते हो, उसको 16 साल करने की बात करते हो, और उसी इशू को मानो पूरे चैनल पर पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से, मालूम नहीं क्या आप किसी दूसरे विषय से डाइवर्शन करना चाहते हो, जैसा आपका स्वभाव है यूपीए का कि इशू को डाइवर्ट करो, लेकिन क्यों इस तरीके की एक चर्चा छेड़ी गई और क्यों इसका सीरियसनेस कम किया गया ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये बात की गई कि 18 साल का 16 साल करो, और इसके लिए जो मंत्रिमंडल की चर्चा आती थी, जैसे यही 4 लोग हमारी महिला बाल विकास मंत्री, वास्तव में अगर हम कहते हैं 50% महिला की बात करते हैं, इतना ही नहीं हम कहते हैं 50% महिला केवल नहीं, एक स्त्री संपूर्ण समाज को कहीं ना कहीं बनाती है, ये बात तो बड़ी बड़ी होती है, मगर मैंने देखा है, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं करती कृष्णा जी, लेकिन ये होता है, महिला बाल विकास मंत्रालय का जो महत्व है ये महत्व कोई नहीं समझता है। और आज भी वही हुआ कि वास्तव में महिला बाल विकास मंत्री जो थी, उनका अपना अनुभव होगा, वो सामाजिक संगठनों से बात करती होगी, क्योंकि ये सब हमने किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बात करती होगी, उनसे फीडबैक कहीं ना कहीं लिया होगा, लोगों की धारणा समझती होगी, और ये समझ करके वो बात उन्होंने कही थी। मगर बाहर जिस तरीके से बात आ रही थी कि 4 मंत्रिमंडल के 4 साथी मिल करके निर्णय को पलटा रहे थे, आग्रह पूर्वक कुछ कर रहे थे, और एक ऐसा हैवॉक निर्माण किया गया कि बहुत कुछ उससे होना है, मालूम नहीं ऐसा क्यों किया गया। लेकिन अब आपने समझदारी से इतना बहुत कुछ होने, यानी ये एक बात दर्शाता है कि महिलाओं के लिए एक कड़ा से कड़ा कानून करना है। वास्तव में बात यहां से शुरू हुई थी कि सजा का कड़ा से कड़ा प्रावधान होना चाहिए, ताकि हमारे देश की स्त्री की तरफ कोई आंख उठा करके देखने का साहस नहीं करे।
और महिलाएं भी साहस जुटाए कि हाँ सजा का प्रावधान है, मैं कहीं ना कहीं सुरक्षित हूँ, कानून मुझे सुरक्षा देना चाहता है, या आत्मविश्वास महिला के मन में हो, यह सभी प्रकार का भाव था। मगर यह भाव आप बोलिए, नहीं आप बैठ जाइए लालू जी, प्लीज बैठ जाइए, बोलिए, नहीं 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 आप बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आप अपनी बात, जब आपकी बात आएगी तो कहना मैं, आप मुझे इधर देखिए, आप बोलिए, नहीं मेरा स्वभाव ही नहीं है अध्यक्ष जी किसी को उत्तर देने का। तो सम्मति की उम्र 18 साल अब आपने कर दी। वास्तव में इसकी जितनी भी चर्चाएं हुई उसको ध्यान में लेना पड़ेगा, और भी कई ऐसे कानून हैं, उन कानूनों में सुधार, मैं इसलिए ये बात पहले मैंने ली है कि आज जो सामाजिक स्थिति हो गई है, और ये जो सामाजिक स्थिति आज बन गई है, हमें ऐसा लगता है, वो चर्चा की गई आजकल को, तो बोले बच्चों को सब कुछ समझ में आता है। हाँ समझ में आता है, क्योंकि हम समझ में ला के दे रहे हैं। हम जिस तरीके से घर घर में टीवी पे जो कुछ बातें होती है उसके कारण बच्चों को सब दिख रहा है सामने, मगर क्या वो दिखना एक समझना होता है? क्या वास्तव में उसके पीछे, जैसे हम मराठी में कई बार करते हैं, समझ तो सब रहे, अंदर से उमज नहीं पड़ रही है? तो आज जिस तरीके का वातावरण एक हो गया है, और उसमें सही बात है कि आप अगर देखो उस वातावरण को, मैं चाहती हूं कि उसके लिए भी एक सीरियस सोच वास्तव में बनना चाहिए कि जिस तरीके से गाने आते हैं टीवी पे, पहले तो ये था एक टैलेंट हंटिंग शो होता है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँ, बच्चों पर एक प्रकार से अन्याय है मैं मानती हूँ। अन्याय क्यों है? बच्चों का टैलेंट तो दिखना चाहिए, मैं उससे उनको अलग नहीं करना चाहती, मगर मैंने कई बार ये ऐसे शो देखे हैं, 10 साल की भी लड़की, ठीक है उसमें कुछ टैलेंट है, आपने उसका थोड़ा गाना गाने के लिए अनुभव के लिए दे दिया, मगर उसके बाद जो प्रोग्राम प्रोड्यूस होते हैं कि 10 साल की लड़की, 12-14 साल का लड़का डांस कर रहे हैं, और डांस के गाने कौन से, किस प्रकार के हाव भाव वो लड़की कर रही है, 10 साल की हमारी, किस प्रकार के प्रेम गीत पे उन दोनों लड़का लड़की डांस करते हैं, और अब तो हम इतने आगे बढ़ गए हैं, क्या किस प्रकार के संस्कार हम देना चाहते हैं कि वो तो मुंगड़ा हमें लगता था, ये मुंगड़ा बड़ा हमें काट रहा है, अब इसके भी आगे मैं कई बार देता हूं, मैं हूं बलात्कारी क्या, और न जाने क्या क्या गाने, किस प्रकार के गाने, और किस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट, कोई कंट्रोल नहीं है। कई बार ये बात उठी थी, मैं ये सब इसलिए बोल रही हूं, बात ये कही जा रही थी कि 16 साल क्या, वो तो 13-14 साल के भी बच्चे सब समझ रहे, इसलिए मैं इतने विस्तार से बात कर रही हूं कि जिस प्रकार के वो स्प्रे की एडवर्टाइजमेंट आती है इतनी गंदी, कंडोम की एडवर्टाइजमेंट आती है, और बात फिर यहाँ तक कई बार होती है, यहाँ से शिक्षा में सुधार की कि बांटो तुम तो स्कूल स्कूल में, करना क्या चाहते हैं, तो वो समझते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है, उनके मन पर वास्तव में बहुत गलत असर इन चीजों का, हमें तो इसमें सुधार करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा सही स्थिति क्या है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कई बार बात की गई है, हम ही आजकल नहीं समझते हैं, कहते हैं हम कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम, ये तो पशुओं में और मनुष्य में सामान्य है ऐसा हम कहते हैं, मगर आगे जो बात वो तो हम कब की भूल गए कि धर्मे तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही नाम पशुभिः समानः। आज हमारी वो स्थिति तो हो ही गई है, पशु जैसा व्यवहार हमारा होने लगा है, जैसे केवल जीवन में एक ही बात बची है ऐसा व्यवहार हमारा होने लगा है। किस बात की सम्मति हम सोचते हैं, क्या 16 साल की लड़की समझेगी और सम्मति देगी, एक ही बात जैसी चर्चा में है। मैं तो यहां तक अब कहती हूं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच करके हम पशु को और इनको जोड़ देते हैं, हम तो पशु से भी गिरे हैं आज की तारीख में, ये इसलिए बोल रही हूं, मैं इसलिए बोल रही हूँ, पशुओं का भी एक समय होता है लालू जी, एक समय होता है, पशु पक्षी इन सबका
12 महीने 24 घंटे एक ही बात पर नहीं सोचते हैं, वो एक समय सीमा होती है उनकी भी। हमारे लिए तो हम ज्यादा बुद्धिमान हो गए मनुष्य, और आजकल हम सोचना बंद कर दिया है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, कड़ा कानून तो करने की बात है, मगर उस पर क्यों इस तरीके से चर्चा आपने करवाई, उम्र को लेकर के क्यों ये बात आ गई सब दूर, और कितना नॉन सीरियसनेस है आपका, ये मैं कहना चाहती हूँ। वास्तव में हम अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं इन सब बातों से। कड़े कानून तो इसमें होना चाहिए, कानून तो कई सारे बने। एक और बात कहना चाहूँ कि कानून तो कई सारे हैं, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, डोमेस्टिक, सो मेनी अगर गिनना शुरू करो, लेकिन पालन के लिए यंत्रणा क्या है, कभी हमने इसके लिए सोचा? 10 डिब्बों की गाड़ी, 12 डिब्बों की गाड़ी स्टेशन पे तो खड़ी है, इंजन तो है ही नहीं, गाड़ी चलेगी कहाँ से? ये जो यंत्रणा, शासकीय यंत्रणा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हम करते हैं, कहाँ है फास्ट ट्रैक कोर्ट, कहाँ है वो सब महिला पुलिस एक एक इसमें जो होना चाहिए, कहाँ है वो सेंसिटाइजेशन, वो संवेदनशीलता जो होना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ कोर्स होना चाहिए, उसके मामले में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बात सोचना पड़ेगी। मैं एक और बात कहना चाहूँगी इसी में, हो सकता है ये 16 साल की उम्र और इसमें आपको कई जुवेनाइल जस्टिस की या कुछ ऐसी बात मालूम नहीं, मुझे वास्तव में ये बात बाहर आना चाहिए। सही मैं बताऊँ आप शिंदे जी, ये 16 साल की बात क्या थी, ये आना चाहिए, किस लिहाज से ये सोचा गया, ये अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन मैं एक और बताना चाहूँगी इसमें, एक और बताना चाहूँगी कि बात ये होती है कि लड़का लड़की छोटे, मगर यहाँ तो मैं केवल लड़की की बात 16 साल 18 साल की जब हम करते हैं लड़की के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक बात और सोचना पड़ेगी, जो मेरी अपनी बात है, मेरे मन में ये बात आती है कि जब हम कहते हैं लड़कों के लिए भी कि छोटे हैं वो, 18 साल तक हम छोटे ही मानते हैं, उसको जुवेनाइल कोर्ट में पेश करते हैं, लेकिन बाल श्रम कानून में 14 साल का लड़का छोटा माना जाता है, कि 14 साल तक उसको हेवी कार्य नहीं करना, 14 के बाद उसको लिया जा सकता है। मेरा एक इसमें आपको केवल सुझाव है किस तरीके से करें, क्योंकि मैं एक समय ऐसा था कि मैं ये जो आपके बाल न्यायालय रहते हैं या जहां आप बच्चों को बाल संप्रेषण गृह रहते हैं उस पर, वहां पर भी मैंने काम किया हुआ है, मैंने देखा हुआ है, मैं अनुभव की बात कर रही हूं कि अगर ऐसा होता है छोटा लड़का, 12 साल का लड़का और 17 साल का लड़का, बहुत फर्क होता है इन, और इसलिए इनको अगर हम दो कैटेगरी में किसी तरीके से कर सके, कैसे करें क्या करें आप लोगों को सोचना है, मगर 14 साल के नीचे का लड़का और 14 से 18 साल का किशोर जिसको हम कहते हैं, ये किशोर है, हालांकि वो भी अगर गंभीर अपराध करता है, क्योंकि आजकल की तारीख में जो बातें हो रही है, जिस तरीके से अलग अलग प्रकार के इसके सेवन हो रहे हैं नशे के, छोटी छोटी गोलियां, हमारे यहाँ तो बोलते हैं नाइट्रावेट की गोली, ये नाइट्रावेट की गोली तो ऐसे मिलती है, और वो अगर बोलते हैं कि थोड़े शराब के साथ उसका सेवन करो तो मालूम नहीं व्यक्ति कितना भी प्रकार का अपराध कर लेता है, ये कहा जाता है। बच्चों में जो आजकल इतना जो हमें नहीं मालूम ऐसी चीजें मालूम पड़ती है, इरेजर जो कंप्यूटर के इसमें इरेजर लगाते ही बोले वो इरेजर नशा देता है, उसी का बच्चे सेवन करते हैं, मगर इन बच्चों का मैं कहूंगी दुरुपयोग कहीं ना कहीं होता है, उनसे अपराध करवाए जाते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, इस पर एक गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आजकल ये होता है कि ये तो छूट जाएगा जुवेनाइल केस में, और इसलिए मारने के लिए अभी अभी दिल्ली में भी इसी प्रकार हुआ है, जिस बच्चे ने मारा वो छोटा लड़का है, 16 साल का लड़का, 17 साल का लड़का, 16 साल का, ताकि वो उसमें उस कैटेगरी में जाएगा, कहीं ना कहीं इसके पीछे इस प्रकार की यंत्रणा तो नहीं काम कर रही है, ये भी हमें कानून बनाते समय थोड़ा सा सोचना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आपने कहीं ना कहीं अनेकानेक इसमें सुधार करते हुए कुछ बातें करी है, मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगी आपको, क्योंकि हमने जो कहा था कि उम्र तो आपने बढ़ा दी, 354 में भी आपने अभी जो संशोधन दिया है उसमें केवल आपने इतना किया है कि फाइन कितना होगा क्या उसका उल्लेख नहीं है,
मगर वो भी आपने किया है, वो अच्छी बात है। कई बार ये भी होता है धारा 309, अब समय सीमा की जो बात है, आपने कहा तो है 2 महीने की बात है, फिर वही बात आती है कि समय सीमा अगर 2 महीने की, कि पूरे 2 महीने में ऐसा जो कोई अपराध हुआ है उस पर पूरा का पूरा प्रक्रिया पूरी होना चाहिए, फिर वही बात आती है यंत्रणा की, शासन की यंत्रणा इस प्रकार से है कि नहीं है, उस पर भी सोचना पड़ेगा। जो आपने समय सीमा की बात करी है वो भी बात ठीक है, और बाकी जो आपने सजा का प्रावधान बढ़ाया है, मैं बहुत लंबा भाषण नहीं करूंगी, जो आपने प्रावधान बढ़ाए उसके लिए मैं आपके धन्यवाद देती हूँ। लेकिन कई बार एक बात है जो मुझे लगता है दिखा नहीं यहाँ पर कई, कि मैरिटल रेप की हमने कहा था 376B, उसको ओमिट करने की बात आपने नहीं की है। मुझे ऐसा लगे इस पर थोड़ा गंभीरता से सोचो, हमारी अपनी एक सामाजिक पद्धति है, मुझे मालूम नहीं आपने अगर दिया हो तो बताओ, मगर दिखा नहीं मुझे कहीं, नहीं किया है, मगर ये इसमें ऐड मत करो, इसलिए ऐड मत करो, हमारी अपनी एक सामाजिक पद्धति भी है, हमारी अपनी एक फैमिली सिस्टम है। अध्यक्षा जी ठीक है थोड़ी ब्रेकअप हो रही है किसी ना किसी कारण से, मगर हमारी अपनी जो एक पद्धति है कुटुंब की पद्धति, और उस कुटुंब में काउंसिलिंग की बात है, यह होती है, बड़े लोग जो घर में हमारे यहाँ है एकत्रित कुटुंब पद्धति, और जो बड़े व्यक्ति घर में रहते हैं वो बफर का काम करते हैं, ये काउंसिलिंग का काम, और ये घर के घर में ही होना चाहिए। आप मराठी में हम कहते हैं घरातला झगड़ा चवाटे और यून नहीं चलत, वहां पे सुलझेगा नहीं, हमें झगड़े उलझाना नहीं है, हमें झगड़े सुलझाना है, हमें अपनी कुटुंब पद्धति को कायम रखना है। भारत पर प्रहार तो अनेकानेक प्रकार से हो रहे हैं, आप लोग भी उसमें भागीदार हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रहार को हो या अनेक प्रकार बाकी है, लेकिन आप कम से कम हमारी सामाजिक जो बातें हैं, विवाह एक संस्कार माना गया है, ये केवल कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, एक संस्कार है विवाह, और हम विवाह में क्यों बुलाते हैं सब लोगों को, वो साक्षीदार हैं उसके, वो माने जाते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट है। विवाह की पद्धति में हम बोलते हैं बाद में सिर पे जिम्मेदारी देते हैं जो लोग आते हैं विवाह के लिए उनके सिर पे, कि ये दोनों पति पत्नी सुख से रहे, इनका अच्छा एक गृहस्थ, क्योंकि गृहस्थ जीवन की कल्पना है वो, और वो गृहस्थ जीवन हम बोलते हैं बाकी के दोनों आश्रमों को वो संभालता है, एक सामाजिक जिम्मेदारी गृहस्थ जीवन को मानी गई है, आप इसको तोड़ो मत, और इसलिए वो जिम्मेदारी समाज पर, कुटुंब पर, कुटुंब के बड़ों पर होती है कि अगर उनके इसमें कोई समस्या है तो कुटुंब में बैठ के सुलझाई जाती है और सुलझाई जा रही है। आप कृपा करके इस तरीके से हर चीज में, पहले तो जो कानून है उसका पालन नहीं हो रहा है, पहले जो तो कानून है उसके कारण सबको जिस तरीके से एक सहायता मिलना चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही है, लोग तो बोल ही रहे हैं, आज भी पीड़ित है, कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, दहेज कानून का दुरुपयोग तो सब जानते हैं, वास्तव में होता है कई बार, और जिसको बिचारी को उपयोग मिलना चाहिए वो ऐसी जो गरीब से गरीब परिवार की घर की लड़की है वो तो जल के मर ही रही है, आज भी नहीं मिल रहा है उसका फायदा, वो तो जानती ही नहीं है, उसकी पहुंच ही नहीं है आपके कानून तक या कानून के रखवालों तक, ये आज की स्थिति है। और ऐसे में ये एक और बात आप डालोगे, क्योंकि ये रेप केस में भी कई मामले में ऐसा होता है, इसका भी एक दुरुपयोग जैसे होना शुरू हो गया है, मैं बताऊंगी आपको, इसको भी देखना पड़ेगा। हमारे इंदौर में अभी अभी एक बात हो गई, अभी हो गई, और मैं आपको बताऊं, दुरुपयोग हो सदुपयोग हो या कोई भी घटना होती है, कहीं ना कहीं भुक्तभोगी या भुगतने वाली जो है वो महिला होती है, वो स्त्री होती है। अभी हमारे इंदौर में एक घटना हो गई और उसमें इसी प्रकार रेप का आरोप, और वही दिसंबर का महीना था इसलिए पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और उस व्यक्ति को जेल में भी डाला गया। मालूम नहीं रिपोर्ट आने में, एक जो मैंने कहा समय सीमा, जांच की रिपोर्ट भी समय में नहीं आती कई बार, उसके लिए हम क्या करें, कोई भी प्रावधान इसमें नहीं है,
लैबोरेटरीज नहीं है हमारे यहाँ, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट समय पे आना उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। और वहां वही हुआ, 2.5 महीना उस व्यक्ति को जेल में रहना पड़ा। 2.5 महीने के बाद अभी मार्च के 8 या 9 तारीख को उसको बेल मिल गई। और उसके बाद जब कोर्ट की पहली पेशी, उसमें 13 तारीख को जिस महिला ने आरोप लगाया था, वो महिला बोली कि नहीं नहीं मुझ पर रेप नहीं हुआ है, पलट गई अपने इससे। अब मगर वो तो पलट गई, उसके आगे जो ट्रेजेडी हुई कौन जिम्मेदार? वो पुरुष ने जो 2.5 महीने तक जो सहन किया होगा जेल में, उसके परिवार ने, उसकी लड़की है 12वीं में, इकलौती लड़की है 12वीं में, और उसने जो भी कुछ सहन किया होगा, 4 दिन के अंदर बाहर आने के बाद उस व्यक्ति ने फांसी लगाई, आत्महत्या कर ली। और बाद में वो लड़की और उसकी माँ दोनों ने आत्महत्या की कोशिश करी। क्या करें हम जी, क्योंकि आज के समाज में चर्चा है तो सब होती, लोग बोलेंगे ही कि हाँ जेल रहे मतलब कुछ किया होगा। ये जो होता है, अब वो एब्सकॉन्डिंग है जिन्होंने भी इस प्रकार के आरोप लगा के, मगर एक परिवार तो बिगड़ गया, दुरुपयोग होता है। एक और बात बताऊं, क्या मालूम मेरे ही क्षेत्र में हुआ, सभी दूर हो रहा है, तो इसके लिए भी कड़े प्रावधान। आपने पुलिस को ये दिया है, बात ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं सजा के प्रावधान होना, FIR जल्दी होना चाहिए, ये भी बात ठीक है, लेकिन उनके लिए उनके अपने भी डिपार्टमेंटल भी इंक्वायरी होती है। आप इन सब चीजों को सोचो, आगे काम तो उसी प्रणाली से आपको करना है। लेकिन एक दूसरा दुरुपयोग भी है, हमारे यहाँ एक महिला पुलिस ने भी दुरुपयोग किया कि स्कूटर पे अपने बच्चे के पीछे बैठ करके स्कूटर पे जा रही थी सादे ड्रेस में, एक दूसरा व्यक्ति भी जा रहा था अपने स्कूटर पे, थोड़ी टक्कर लगने लगी, उसने उतना ही उस लड़के को बोला अरे जरा देख के चलो कैसे चला रहे हो, बस सामान्य एक थोड़ी सी घटना होती है। और उस महिला ने जा करके तुरंत, क्योंकि वो पुलिस वाली थी, जा करके यह कर दिया कि इसने जो आपने कहा है ना रिमार्क्स पास करना, कलरफुल रिमार्क व्हाट एवर इट में भी, इसमें जैसा लिखा कि इसने कहा तुम्हारे बाल कितने सुंदर, और इस प्रकार के टीजिंग किया। और उस लड़का जो वकील था वो बाय चांस, और वो वकील ऐसा था, रिनाउंड था, सब लोग जानते थे कि यह इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है, और इसलिए उसको संरक्षण तो मिला अभी, मगर FIR तो दोनों तरफ से हो। यह दुरुपयोग भी कानून का होता है, ये उदाहरण सामने है। मेरा इतना ही कहना है कि यह दुरुपयोग रोकने के लिए भी उसी प्रकार के प्रावधान कहीं ना कहीं हमारे इसमें बिल्कुल होना चाहिए। मैं इसको कभी ये नहीं करूंगी। एक बात और है, जैसा मैंने अभी कहा कि टीवी पे गंदे गाने वगैरह तो ठीक ही है, मगर अभी एक हो गया, ये जो आपकी घटना हो गई थी उसका तुरंत वो सोनी टीवी पे प्रोग्राम आने लगा होता, लाने वाला था, रोका गया, इसको कोर्ट के द्वारा रोका गया कि ऐसा नहीं आना चाहिए। मगर हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं जो स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं, और ये स्त्रियां मैं कहूंगी कोई केवल शहरवासी नहीं है, उनका विचार भी सबसे पहले करना कि उन पर कैसे, जो हमारी गांव में रहने वाली है, जो आदिवासी महिला है, उन पर जो अलग अलग प्रकार के अत्याचार होते हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रावधान और कहीं से कहीं कड़ी से कड़ी सजा इस मामले में हमें सोचना पड़ेगा। मेरा इतना ही कहना है कि आपने बाकी जो इसमें दिया हुआ है, हालांकि महिलाओं के अत्याचार तो बढ़ ही रहे हैं, मगर एक अपराध का स्वरूप देखकर भी कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान होना चाहिए। सामाजिक भाव जो है, सामाजिक भाव बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए समाज जागृति तो आवश्यक है ही, कहीं ना कहीं सेंसिटाइजेशन ये भी आवश्यक है, ये करना पड़ेगा। और तीसरा, मैरिटल का जरूर उसमें से आप ओमिट करो, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, ये बहुत कहीं ना कहीं ऐसा होगा, नहीं किया है ना, करना ही आवश्यक है। आप अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली सिस्टम, इसको आप भी अच्छी तरीके से जानते हो, वैसे ही अभी फैमिली टूट रही है, जो समझदार है छोटे छोटे कारणों से डाइवोर्स हो रहे हैं, अनेकानेक बातें हो रही है, आप इसको कहीं ना, ये काउंसिलिंग से होने वाली बातें हैं, और काउंसिलिंग पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं काउंसिलिंग का प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए।
मैं आखिरी में इतना ही कहूंगी कि ये मैं एक एक क्योंकि सेक्शन वाइज उल्लेख नहीं कर रही हूं, आपने बहुत सारी बातें, कड़ी सजा का प्रावधान भी आपने किया है, लेकिन इस सब बातों पर देखने का एक नजरिया हमारा होना चाहिए। ये कोई महिलाओं को एक सुरक्षित चीज मान करके कुछ करना नहीं है, महिलाओं को प्रोटेक्ट नहीं है, महिला तो समाज का हिस्सा है, महिला अपने आप में सक्षम है, ये कोई ऐसा नहीं है। नहीं तो कल ऐसा हो जाएगा कि लोग बोलेंगे अरे इनको तो घर में ही बैठने दो, फिर से हम उस सातवीं शताब्दी आठवीं शताब्दी की तरफ जाएंगे, नहीं तो कि समाज में आने ही मत दो, कौन देखेगा, कल इसकी तरफ देखो तो भी हमें सजा होना है। हम ये भाव नहीं चाहते हैं। महिला और पुरुष ऐसे दोनों को कहीं ना कहीं दूर करने की बात इस पूरे इसमें कहीं भी नहीं होना चाहिए, ना चर्चा में होना चाहिए, ना कानून में होना चाहिए। ये कोई पुरुष के खिलाफ कानून नहीं है, ये बात केवल इतनी है स्त्री को न्याय मिले, स्त्री को अपनी जगह मिले, स्त्री को अपना सम्मान मिले, उसको भी एक सम्मानजनक जिंदगी मिले, ये इसके पीछे भाव है। ये हम सबने ध्यान में रखना पड़ेगा, इसी दृष्टि से विचार करो, और इसलिए ऐसे जो कुछ प्रावधान है वो पहले इसमें से निकालो, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। भले ही देर हो जाए तो चलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर से इसको ले आना। तो आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि देवी ना मानना मुझे तुम, देवी ना मानना मुझे तुम, फूल चढ़ा कर नहीं चाहिए ये। आज जो जो स्त्री यहाँ वर्णन खूब हो गया, सीता का हो गया, माफ करना, हमारे इसमें है ये 18 साल की उम्र के लिए भी मुझे याद आया कि आपको भी याद होगा कि समझने की शक्ति जो नहीं, मैंने कहा कुंती का उत्तम उदाहरण है, वर तो मिल गए मगर उस वर को उपयोग में लाने की समझने की शक्ति नहीं, और इसके कारण आगे पूरा महाभारत हो गया कर्ण के जन्म, बहुत बड़ी बात है और ये होता है। और इसलिए मेरा कहना इतना ही है आज सबको, देवी ना मानना मुझे तुम फूल चढ़ाकर, दासी ना बनाना मुझे तुम शूल चुभोकर। स्त्री की जो अपनी आंतरिक इच्छा है वो बताना चाहूंगी, ये केवल किसी के खिलाफ नहीं है, ये उसको कोई कांच के घर में बिठाने के लिए कानून नहीं है, वो चाहती क्या है, दासी ना बनाना मुझे तुम शूल चुभोकर, राह बनाऊंगी मैं अपनी अपने ही दम पर, लालू जी बोलो मत, राह बनाऊंगी वो कहती है हर महिला, राह बनाऊंगी मैं अपने ही दम पर, थोड़ी सी बस जगह देना इंसान बन, इंसान समझकर उस स्त्री को थोड़ी सी जगह आगे बढ़ने की चाहिए, कानून इतना ही हम चाहते हैं। और इसलिए फैमिली इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये जो 16-18 इस प्रकार की बहस करके नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की जो पद्धति है, पहले इस पद्धति को बंद करो, यही मेरा अनुरोध।